गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मु सौरभ आपण स्वागत करो चैनल सी एच एस सी बायोलॉजी रे। आज गोटे इम्पोर्टेंट सीरीज आम डिस्कसन करवा, सी हूँ बिट क्वेश्चन सीरीज फॉर एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020। तो देखो बायोलॉजी आम एग्जामिनेशन होनी एवं जाए, तो मु आशा करूँ ना किसी दिन मध्य बायोलॉजी एग्जामिनेशन हम। ता पूर्व मुझे इम्पोर्टेन्ट सीरीज नहीं आसती, जो सीरीज रे कि आम डेली बेसीस बिट क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो देखो बोर्ड रे जो आपण मानक बटनी हो कि जुलोजी हो, 10 मार्क्स रो बिट क्वेश्चन आसता है आउ 25 मार्क्स सब्जेक्टिव टाइप रो क्वेश्चन आसता है। तो आपण को बोर्ड रे जदि गोटे भल स्कोर करने अच्छी तो बिट क्वेश्चन आपण मानक भल मार्क आने पड़ो, ठीक अच्छे। ता सहित लॉकडाउन रे आप घरे घरे सब बस बोर होते, आपण मानक द्वारा ये सीरीज देखिया द्वारा मुझे ग्यारंटी दूची ना आपण मैंने 10 out of 10 स्कोर करें बिट क्वेश्चन रे। तो चलतु आज लेक्चर स्टार्ट करवा। तो मुझे रखे ना जो 10 मार्क क्वेश्चन आसे आपण मानकर से मधुर 5 मार्क MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप आसे, जो थे कि 4टा आपण मानक ऑप्शन मिलो से मधुर गोटे करेक्ट आंसर बाछबे। आउ गोटे कौन हुए ना जो अंडरलाइन स्टेटमेंट थाए आपण मानक चेंज करने पड़े, अंडरलाइन स्टेटमेंट 5 मार्क आसे, ये 10 मार्क बिट क्वेश्चन आसता है। तो चलतु आम देखा फर्स्ट क्वेश्चन, द मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड एज डैश। ताने चलक्ष मोटाइल मान कौन प्रथम बुझ रखु, मोटाइल कौन ना जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी फ्लाजेला थाए से गोटे जगार अगर जगह ट्रांसफर होता है आम कह मोटाइल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी जितक भी अच्छा से मधुर मात्र गोटे हिं मोटाइल अच्छी सी हूँ जूसफर। तो आंसर हबार जूसफर, तो मन रखी गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी मोटाइल हूँ आपण मानकर जूसफर। तो जूसफर कौ कौ ऑर्गेनिज्म देखापी मिले ताको आम कह एक हूँ क्लामाइडोमोनास आ गोटे हूँ यूलोथ्रिक्स। ए भाया भी पचार पारे ना क्लामाइडोमोनास मोटाइल स्पोर को कौन कहती, यूलोथ्रिक्स रे मोटाइल स्पोर को कौन कहती, जूसफर कौ कौ ऑर्गेनिज्म देखापी मिले। तो जूसफर कौन ना फ्लाजेला थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी को आम कहू जूसफर, और जूसफर द्वारा सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हूँ क्लामाइडोमोनास आउ यूलोथ्रिक्स, ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखु, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म्स लिव्स विथ म्यूचुअल बेनिफिट इट इज कॉल्ड एज डैश। ऑप्शन हूँ पारासिटिज्म, साप्रोफाइटिज्म, सिम्बायोसिस एंड ऑटोट्रोफिज्म। देखु से कहते ना दीटा ऑर्गेनिज्म, गोटे गोटे ऑर्गेनिज्म अगर गोटे ऑर्गेनिज्म गोटे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल बेनिफिट रहती, आर भी बेनिफिट हुए आर भी बेनिफिट हुए। तो जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन रे बोथ ऑर्गेनिज्म रो बेनिफिट हुए आम पढ़ते आम कौ सिम्बायोसिस और अदरवाइजली कौ म्यूचुअलिजम्स म्यूचुअलिजम्स, ठीक अच्छे। तो आर एग्जांपल आम देखी ना लाइकेन पढ़ते आम लाइकेन, लाइकेन ने कौन ना आलगी आउ फंजाई कौन करते ना मिसिक रोते जो समय कि आलजी कौन कर खाद्य पदार्थ या फूड सिंथेसिस करा से समय कौन करा फंगल पार्टनर जो थी लाइकेन रे कौन करा कार्बन डाइऑक्साइड और मत्स्य जगुला, ठीक अच्छे। आउ गोटे देखुले ना आउ गोटे सिम्बायोसिस देखुले आम माइक्रोराइजा जोटा कि प्लांट रूट आउ फंजाई भितर सिम्बायोटिक रिलेसनशिप थी, ठीक अच्छे। तो आर आंसर कौन हम ना दीटा ऑर्गेनिज्म जो म्यूचुअल बेनिफिट रोचन दीटा ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन रे गोटे ऑर्गेनिज्म रो प्रॉफिट होती ता सहित आउ गोटे ऑर्गेनिज्म रो भी प्रॉफिट होती ताको आमे कहिबा सिम्बायोसिस और ताको अदरवाइजली कहउची म्यूचुअलिजम्स, ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखु, टू फॉर्म ए कंटिन्यूस डीएनए मॉलिक्यूल द एंजाइम डैश जॉइंट्स ओकाजाकी फ्रैगमेंट। देखते गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हूँ डीएनए रेप्लिकेशन क्वेश्चन। डीएनए रेप्लिकेशन आपण मैंने पढ़ते डीएनए रेप्लिकेशन टाइम रे कौन हुए ना डीएनए रेप्लिकेशन टाइम रे कौन हुए आप बुझे डीएनए रो दुईट स्ट्रैंड थाए
से मध्यरु गोटे स्ट्रैंड टी कंटिन्यूअस चेन सिंथेसिस करे आ गोटे चेन कोन करे ना डिसकंटिन्यूअस शॉर्ट पीस ऑफ चेन सिंथेसिस करे तो जो डीएनए स्ट्रैंड टी आपण मानकर कोन करे ना कंटिन्यूअस तयारी करे ताकू कोनची लीडिंग स्ट्रैंड ठीक अछि से भलिया जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो तयारी करे जो डीएनए स्ट्रैंड टी ताकू हम कहउछु लैगिंग स्ट्रैंड ठीक अछि तो लेगिंग स्ट्रैंड जो डिसकंटिन्यू पीस जो आपण मानकर तयारी हुए ताकू ही कहू आम ओकाजाकी फ्रैगमेंट परवर्ती समय जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट तयारी हुए लैगिंग स्ट्रैंड रे से माने जॉइन करके कौन करती ना गोटे कंटिन्यूअस चेन तयारी करते तो ये क्वेश्चन पचार को एंजाइम डी ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जॉइन करके गोटे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड तयारी करे तो आर आंसर हम लाइगेज डीएनए लाइगेज तो डीएनए लाइगेज रो काम कौन ना शॉर्ट पीस ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जॉइन करके गोटे नुआ कंटिन्यूअस चेन तैयारी कर तो मन रखु जदि भी पचार जो दीटा डीएनए फ्रैगमेंट बा ओकाजाकी फ्रैगमेंट हो जेकोसी दीटा डीएनए फ्रैगमेंट को जॉइन करने लगे जो एंजाइम रिक्वायरमेंट हुए सी हूँ लाइगेज ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखु क्वेश्चन डी कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन सेंचुअरीज एंड नेशनल पार्क इज देखते ये बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन क्वेश्चन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन माने कौन ना ताको आम जेकोसी उपाय रे जो स्पेसीस लुप्त प्राय हो जाटा एक्सटिंक्ट होगा जाऊँगी आम साइंटिफिक प्रोसेस कंजर्व कर रखा सुरक्षा दे रखा कहब कंजर्वेशन तो बायोडायवर्सिटी जो कंजर्वेशन अच्छी आम दि प्रकार पढ़ते पाने गोटे हूँ इनसीट्यू कंजर्वेशन आ गोटे हूँ एक्सीट्यू कंजर्वेशन ना इनसीट्यू कंजर्वेशन कौन ना जदि गोटे एंडेंजर स्पेसीस को तार निजर बासस्थान नेचुरल हैबिट भितर जब कंजर्वेशन कले आम कह इनसीट्यू कंजर्वेशन से भाई एक्जिस्टिव कंजर्वेशन कौन ना जदि गोटे ऑर्गेनिज्म को आम तार बासस्थान बाहर तार नेचुरल हैबिटेट बाहर जो आम कंजर्व कर रखा आम कह एक्जिस्टिव कंजर्वेशन इनसीट्यू कंजर्वेशन किए किए थे ना आपण मानते नेशनल पार्क सेंचुरीज ता सहित हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी बायोस्फीयर रिजर्व से भाई एक्जिस्टिव किए थे ना जूलॉजिकल पार्क बोटानिकल गार्डन जीन बैंक क्रायो प्रिजर्वेशन ठीक अच्छे तो ये क्वेश्चन आपण मान पचार ना जो कंजर्वेशन हो सेंचुरी आउ जो नेशनल पार्क कंजर्वेशन हो टाइप ठीक अच्छे तो नेशनल पार्क कौन कराए ना तार एंडेंजर्ड स्पेसीज को तार नेचुरल हैबिट से सी जो बासस्थान रोचम से भितर ही कंजर्व कर तो ये आर आंसर हम इनसीट्यू कंजर्वेशन ठीक अच्छे तो लास्ट क्वेश्चन देखु द फेनोमेनन ऑफ ऑफस्प्रिंग बीइंग सुपीरियर टू एदर ऑफ द पेरेंट इज डैश ऑप्शन अच्छी हेटेरोसिस इनहेरिटेंस इन्फ्लुएंस एंड बायो फोर्टिफिकेशन देखते ये बहुत गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम आपको डिस्कस करवा से कही ना ये प्लांट ब्रीडिंग क्वेश्चन प्लांट ब्रीडिंग रे कौन करे ना आम पढ़ते ना दीटा पेरेन्ट को आम क्रस कर ये हूँ पी ओन पी टू क्रस कलापर आपण मानक एफ वन जेनेसन में गोटे अफस्ट्रिंग मिली जहाँ कौन फास्ट फिलियल और अफस्ट्रिंग जेनेसन से पचार ना जो कंडीशन रे जो एफ वन अर्गानिजमटा या मैंने फास्ट फिलियल जेनेसन टाला ये दुटा जाक पेरेन्ट पी ओन आ पी टू रु जब सुपेरियर है कौन कह तो आर आंसर हम हेट्रोसीस और आपको कौच हाइब्रिड फिगर ठीक अच्छे तो आउ गोटे ये ऑप्शन देती ता विषय में कही रखुची ना बायो फोर्टिफिकेशन बायो फोर्टिफिकेशन कौन ना प्लांट ब्रीडिंग रो जो मेथड रे आम गोटे क्रॉप भितर न्यूट्रिशनल वैल्यू को चेंज न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस करें कह बायो फोर्टिफिकेशन फॉर एग्जांपल देखो राइस गोटे वैरायटी थिला कौन कराला ना राइस भितर विटामिन ए गोटे भल क्वाटर जीन आणिक इनसर्ट करी गोल्डन राइस तैयारी कराला आपको कह बायो फोर्टिफिकेशन तो मैंने प्लांट ब्रीडिंग जो मेथड रे आम क्रप्र न्यूट्रिशनल वैल्यूटा को चेंज कर पार्थे कौन बायो फोर्टिफिकेशन तो ई र आंसर हम पे
ई आंसर हम हेटरोसिस। ठीक अच्छे, तो चलो नेक्स्ट देखिवा। करेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ ईच बीट इफ नेसेसरी बाय चेंजिंग द अंडरलाइन इन वर्ड ओनली। तो सेकंड टाइप रो क्वेश्चन आपण मान सब जानते ना, अंडरलाइन वर्ड को चेंज करी आपण माने ठीक करिवे। जदि चेंज करिया पय पड़े, जदि स्टेटमेंट ठीक थाए तो आपण माने स्टेटमेंट को करेक्ट लिखिवे। ठीक अछि, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन। इन ए डाइचोगेमस फ्लावर व्हेन एंथर मैच्योर अर्लियर देन द ओव्यू द प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोटोगायनी। देखंतु ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट रो क्वेश्चन आसी। आपको जब हम डिस्कस करिबा डाइचोगेमस फ्लावर कौन ना, डाइचोगेमस फ्लावर रो ओटो जे एग्जांपल जो जोड़े की कौन हुए ना, एंथर जगह में कहूँ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, आउ जो आपण मानकर थाए ओव्यूल जगह में कहूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, से माने डिफरेंट डिफरेंट टाइप रे मैच्योर हुंती टू इफेक्ट क्रॉस पोलिनेशन, ताको हम कहबा डाइचोगेमस फ्लावर। तो जो फ्लावर रे आंथर आ ओव्यूल सेम टाइम रे मैच्योर हुंती नी, केते बेले आंथर ती जल्दी मैच्योर हो जाए, केते बेले ओव्यूल ती जल्दी मैच्योर हो जाए, ताको हम कहबा डाइचोगेमस फ्लावर। तो डाइचोगेमस फ्लावर रे दी प्रकार कंडीशन हेई पारे, गोटे होची प्रोटोगाइनी प्रोटोगाइनी आ गोटे होची प्रोटांड्री। ठीक अछि, प्रोटोग्राइनी आ गोटे होची प्रोटांड्री। तो प्रोटो गाइनी कौन ना, जो डाइचोगेमस फ्लावर रे गाइनी माने गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, प्रोटो माने फास्ट, गाइनी माने गाइनोसियम। तो जदि गाइनोसियम टी जल्दी मैच्योर होला ताको हमें कहबा प्रोटो गाइनी, जदि प्रोटो माने फास्ट, आंड्री माने एंड्रोसियम, जदि एंड्रोसियम टी फास्ट मैच्योर होला ताको हमें कहबा प्रोटांड्री। ठीक अछि, तो एटे देछे कौन हुए ना, एंथर बा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट फास्ट एलियर मैच्योर हुए, तो आर आंसर टी प्रोटोगाइनी न हो कि आपण मानकर हबो आंसर प्रोटांड्री। तो कौन हबो प्रोटो ए एन डी आर वाई प्रोटांड्री। ठीक अछि, तो नेक्स्ट देखंतु आरएनए डज नॉट हैव ग्वानाइन एज नाइट्रोजिनियस बेस। ये देखंतु ये आपण मानकर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रु क्वेश्चन आसी। ठीक अछि, तो चलो देखिबा आरएनए कोसी, आरएनए माने कोन, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड आपण मानकर दी प्रकार थाए, गोटे होची डीएनए आ गोटे होची आरएनए। ठीक अछि, आरएनए आउ डीएनए रे कोन था ना, नाइट्रोजिनियस बेस सुगर आउ फास्फेट को नेकी तयार हेता। तो डीएनए रे को डीएनए रे थाए एडेनाइन थायामिन ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक अछि, ता सहित आरएनए रे को नाइट्रोजिनियस बेस थाए एडेनाइन थाए, ता सहित मन रखंतु थायामिन बदल रे एट थाए यूरासिल, ता सहित ग्वानिन थाए, ता सहित थाए साइटोसिन। तो मेजर डिफरेंस कौन थाए ना, डीएनए और आरएनए भितरे डीएनए रे जो नाइट्रोजिनियस बेस अछि एडेनाइन बदल रे आरएनए रे यूरासिल थाए, आ बाकी सब सेम सेम थाए। तो क्वेश्चन कौन देछि, आरएनए डज नॉट हैव ग्वानिन एज ए नाइट्रोजिनियस बेस ना, ग्वानिन नाइट्रोजिनियस बेस थाए किंतु कोटा न थाए, थायामिन न थाए। तो आर आंसर हबो ग्वानिन हे गबो थायमिन एम आई एन ई थायमिन। ठीक अछि, आ गोटे आंसर टी मन रखंतु ना, डीएनए रे सुगर कोन थाए, डीएनए रे सुगर थाए ताकु कोन छि डीऑक्सी राइबोज, किंतु आरएनए रे जो सुगर थाए ताको हम खाली कहू राइबोज। ठीक अछि, ये भी बेले बेले क्वेश्चन आसे, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने, ये बहुत थोर बोर्ड रे क्वेश्चन आसी। ठीक अछि, तो चलो देखिबा द प्रायोनियर कम्युनिटी इन हाइड्रोसियर इज क्रस्टूज लाइकेन। तो प्रायोनियर कम्युनिटी कौन ना, जो हमर सक्सेसन अछि, सक्सेसन रे प्रथमे जो स्पेसीज टी तयारी हुए ताको हम कहू प्रायोनियर। ठीक अछि, आमे सक्सेसन रो पोजीशन हिसाब रे आमे सक्सेसन को दुई बार व्यक्त करथुलु,
ଯଦି ୱାଟରରେ ଗୋଟେ ଲେଭେଲରେ ସକ୍ସେସ ନହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ହାଇଡ୍ରୋସିୟର, ଯଦି ୱାଟରର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଡ୍ରାଏ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ତାକୁ କହୁଥିଲୁ ଜିରୋସିୟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପିଓନିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋସିୟର ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ହାଇଡ୍ରୋସିୟର ଥିଲା ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ, ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ ସେଭଳିଆ ଜିରୋସିୟର ଥିଲା କ୍ରଷ୍ଟୋ ଲାଇକେନ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଥର ବହୁତ ଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ନା, ଯେଉଁ ପାୟୋନିୟର କମ୍ୟୁନିଟି ବା ସକ୍ସେସନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିସ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ହାଇଡ୍ରୋସିୟରରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ, ଆଉ ଜିରୋସିୟରରେ କ'ଣ ଥାଏ କ୍ରଷ୍ଟୋଜ୍ ଲାଇକେନ। ତ ଆର ଆନ୍ସର ହେବ ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ମନୋହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ ଟୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିନୋଟାଇପ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିଲା ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ମନୋହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍, ମେଣ୍ଡେଲିଆନ୍ କ୍ରସ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନୋହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡାଇ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍। ମନୋହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କନସିଡ଼ର କରାହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ମନୋହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍। ସେଭଳିଆ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ରେ ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଆମେ କନସିଡ଼ର କରୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଡାଇ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍। ମନୋହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ର ଯଦି ଆମେ ଜିନୋଟାଇପ୍ ଆଉ ଫିନୋଟାଇପ୍ ରେସିଓ ଦେଖିବା ନା, ମନୋହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ରେ ଜିନୋଟାଇପ୍ ରେସିଓ କ'ଣ ଥିଲା, 1:2, 2:1। ସେଭଳିଆ ଫିନୋଟାଇପ୍ ରେସିଓ କମ୍ ଥିଲା, 3:1। ସେ ପଚାରିଛି ନା ମନୋହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ରେ କେତେଟା ଜିନୋଟାଇପ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିଳନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜିନୋଟାଇପ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ତିନି ପ୍ରକାର ଜିନୋଟାଇପ୍ ଥିଲା, ସ୍ମଲ୍ ଟି ସ୍ମଲ୍ ଟି, ଇଏ ଥିଲା 1, ଇଏ ଥିଲା 2, ଇଏ ଥିଲା 1। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେତେଟା ଜିନୋଟାଇପ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଥିଲା 3। ଯଦି ଏଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସେ ଜିନୋଟାଇପିକାଲି କେତେଟା ମିଳିଥିଲା, ଫିନୋଟାଇପିକାଲି କେତେଟା ମିଳିଥିଲା, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁ ଜିନୋଟାଇପ୍ ହେଉ କି ଫିନୋଟାଇପ୍ ଯାହା ବି ପଚାରିଛି ତା ରେସିଓ ନେଇକି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ତା'ମାନେ କେତେଟା ଟର୍ମ ଅଛି କାଉଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଜିନୋଟାଇପ୍ ରେସିଓରେ କେତେ ଟର୍ମ ଅଛି, 1, 2, 3। ଯଦି ଫିନୋଟାଇପ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଫିନୋଟାଇପ୍ରେ କେତେଟା ଅଛି, 1, 2। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବି ଡାଇହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ରେ ଯଦି ପଚାରେ, ଡାଇହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ର ଫିନୋଟାଇପ୍ ରେସିଓ ହେଉଛି 9:2, 3:2, 3:1, ତ କେତେଟା ଜିନୋଟାଇପିକାଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମିଳନ୍ତି, ଟର୍ମ ଗଣିଦେବା 1, 2, 3, 4, 4-4। ସେଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିନୋଟାଇପ୍, ଡାଇହାଇବ୍ରିଡ୍ର ଜିନୋଟାଇପ୍ ଯଦି ପଚାରେ, 1:2, 2:4, 2:1, 2:1, 2:1, ଏଭଳିଆ କେତେଟା ଆସିବ, 12 ଟର୍ମ ଆସ ସରି 9 ଟର୍ମ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମନୋହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ରସ୍ରେ ଜିନୋଟାଇପିକାଲି କେତେଟା ନମ୍ବର ୟିଲ୍ଡ ହେଉଛି, ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି 2 ନହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 3 ହେଲା। ତ ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଜନ୍ ଲେୟର୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର୍ ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍। ତ ଓଜନ୍ କ'ଣ ନା, ଓଜନ୍ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ଯେଉଁକି ଆମର ପୃଥିବୀର ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଛତା ଭଳିଆ କଭର୍ କରିକି ରଖିଛି, ଯିଏ କ'ଣ କରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଶୋଷିତ କରି ରଖେ, ଆଉ ଯିଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିଥିଲେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେୟର୍ ଅଛି, ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଏକ୍ଜୋସ୍ଫିୟର, ଏଭଳିଆ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେୟର୍ ଅଛି। ତ ଓଜନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟର୍ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, STRATOSPHERE, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଥାଏ। ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ ସେ ଦେଇଛି ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ନ ରହିକି କ'ଣ ଥାଏ, ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଥାଏ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇ ହେଇ ଯାଉଛି, ଏଥିଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଓଜନ୍ ଲସ୍ ହେଇ ହେଇ ଯାଉଛି, ଓଜନ୍ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଓଜନ୍ ଡିପ୍ଲିକ୍ସନ୍ ବା ଓଜନ୍ ହୋଲ୍। ଏ ଓଜନ୍ ହୋଲ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି CFC, କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ୍। ଇଏ ବହୁତ ଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଭଳିଆ ଆଜିର ମୁଁ ସରିଯାଇଛି, ଇଏ ଥିଲା Part 1। ଏଭଳିଆ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଦେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ,
जदि आपण मानकर को सांग को भाई भी प्रिपेरेशन जब भी सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन देवाई जाऊँ तो ताकू शेयर कर दे। ठीक अच्छे।